आज दिनांक 5/8/2020 को आज का जो अपडेट है उसकी शुरुआत में अच्छी खबर के साथ करना चाहता हूं कि आज 9 लोग जिनका कोरोना का इलाज चल रहा था ये पूरी तरह स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं बीएमसी से। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि कई बार ये दिक्कत आती है लोगों की तरफ से, लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज होकर घर चले जाएँ, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी है कि केवल रिपोर्ट के नेगेटिव होने मात्र से अपना डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, कई बार मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सांस लेने में तकलीफ भी होती है और कुछ ऐसी चीज़ें दूसरी भी होती हैं जैसे कि ब्लड काउंट नॉर्मल नहीं आए हैं या कोई और तकलीफ है, तो जब सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं उसके बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज करें तो अपने लिए अच्छा होता है और मरीज के स्वास्थ्य अपने लिए सर्वोपरि है। तो आपने कुछ ऐसी खबरें भी सुनी हुई होंगी कि ज़बरदस्ती लोग कई बार डिस्चार्ज करा के पेशेंट को ले गए सिर्फ इस बिना पे कि हमको 6-7 दिन हो चुके हैं, और ऐसे लोगों की कई बार दुखद मृत्यु की खबर भी आई कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई हो। तो इसके लिए ख़ास तौर से सबसे अपील करना चाहूँगा कि जब तक पूरा नॉर्मल सारी चीज़ें ना आए डिस्चार्ज के लिए आप लोग जल्दबाजी ना करें। और आज की जो बीएमसी से रिपोर्ट प्राप्त हुई है इसमें 8 लोगों की रिपोर्ट जो है सागर से पॉजिटिव पाई गई है। पहले जो हैं 20 वर्षीय पुरुष और दूसरे 21 वर्षीय पुरुष, दोनों ये कैंट निवासी हैं और मिलिट्री अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। तीसरे जो हैं 70 वर्षीय पुरुष लक्ष्मीपुरा निवासी हैं। चौथी जो हैं 24 वर्षीय महिला हैं, ये हमारे यहाँ की बीएमसी की डॉक्टर हैं। पांचवे जो हैं 58 वर्षीय सूबेदार वार्ड निवासी हैं और 57 वर्षीय महिला, ये भी सूबेदार वार्ड निवासी हैं, दोनों इनके परिवार के हैं। इसके अलावा 70 वर्षीय महिला ये पुरब्यावटोरी निवासी हैं और आखिरी में 26 वर्षीय पुरुष दीनदयाल नगर मकरोनिया के निवासी हैं। आज का यही अपडेट है, एक बार पुनः आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि सावधानी बनाए रखें।